नमस्कार दोस्तों, एसके ठाकुर टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाएंगे एपिसन L220 का जो व्हाइट लाइन्स आता है, प्रिंटर का जो व्हाइट लाइन्स प्रॉब्लम्स आता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो हम फोटोशॉप पे जाएंगे और एक रेनबो कलर का पेज प्रिंटिंग करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने एक रेनबो कलर का प्रिंट ले लिया है, पेपर ले लिया। अभी इसको मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ। अभी जब प्रिंट पे क्लिक कर लेंगे तो एक प्रोसेस का बटन आएगा, हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी ये प्रिंट निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अभी प्रिंट निकल गया है, निकल रहा है अभी। तो अभी देखेंगे कि जो प्रिंटर में जो है, जो लाइंस व्हाइट लाइंस है, आपको दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, जो प्रिंटर्स पे बहुत सारे लाइंस है, व्हाइट लाइंस है, आपको दिख रहे होंगे। ये जो लाइंस है आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो हम आपको बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तब आपको जाके डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइस और प्रिंटर पे क्लिक करने के बाद आपका जो प्रिंटर है एपिसन L220, इसमें आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको क्लीन का करना पड़ेगा, फिर मेंटेनेंस पे क्लिक करना पड़ेगा। मेंटेनेंस के बाद एक हेड क्लीनिंग का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, हेड क्लीनिंग के जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन देगा और स्टार्ट पे क्लिक करने के लिए बोलेगा। ठीक है, अभी मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक अपना हेड जो क्लीन करता है, तो इसमें कुछ समय लगता है। ठीक है, तो एक बार क्लीनिंग हो जाने के बाद हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अभी क्लीनिंग हो गया तो इसके लिए एक चेकिंग के बॉक्स आता है, तो हम इस पर एक देखिए, मैं जब वहाँ पे क्लिक किया तो फिर एक बॉक्स ओपन हो गया और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है। अभी मैं इसको प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अभी मैंने प्रिंट किया तो आपको ये दिखाएगा कि गुड क्वालिटी का प्रिंटर कैसा होता है और जो बैड क्वालिटी का कैसा होता है। अगर ऐसा ऊपर वाला जो पिक्चर है ऐसा आएगा तो गुड है, और नीचे वाला जो अगर आएगा तो ये बैड क्वालिटी का है। फिर आपको फिर एक बार जो हेड क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो हमने इसको क्लीनिंग करके पहले तो हम इसको ऑप्शन में डाल दिया। ठीक है, अभी हम एक बार जो हमारे जो रेनबो कलर का पेज है, हम इसको प्रिंट करके आपको दिखाएंगे। देखिए, मैंने तो इसको प्रिंट में सिलेक्ट कर लिया। अभी इसको प्रिंटिंग जो है, कलर है, प्लेन पेपर है। ठीक है, A4 साइज का पेपर है। अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ तो फिर प्रोसेस का ऑप्शन आता है। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक एपिसन का प्रिंटर जो है अभी प्रिंट हो जाता है। तो हम अभी फाइनली इसको प्रिंट निकल रहा है। अभी देखिए, इसके अंदर जो प्रिंटर के अंदर ये प्रिंटिंग पेपर आ रहा है। तो देखिए, इसमें जो व्हाइट लाइन्स वगैरह जिन पहले जो हमने काटा था, निकाला था, उसको तो था ना, वहीं पे जो व्हाइट लाइन था, अभी ये व्हाइट लाइन्स वगैरह नहीं है। व्हाइट लाइन्स ये देखिए, व्हाइट लाइन्स तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।